सिल्वर जुबली एपिसोड में आज के गेस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं अभिनय और रंगमंच के हस्ताक्षर श्री गोविंद नामदेव जी, जिनसे सिनेमा और रंगमंच के विषय में चर्चा करेंगी रंगकर्मी एवं अभिनेत्री ऋचा तिवारी जी। गोविंद जी खैर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हम सभी उनको बहुत खूबी से जानते हैं और उनके काम को हम बहुत समय से जानते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैं आपको अपनी होस्ट ऋचा जी का एक संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। ऋचा तिवारी सागर मध्य प्रदेश में जन्मी और पली बड़ी। आपने MPSD भोपाल से थिएटर किया और उसके बाद नेशनल DD नेशनल और ऑल इंडिया रेडियो जैसी संस्थाओं के साथ काम किया और इसके अलावा अभिनय के क्षेत्र में स्टार प्लस, सोनी TV जैसे चैनल्स के साथ काम किया। और मूवीज़ की बात की जाए तो टॉयलेट एक प्रेम कथा, जजमेंटल है क्या जैसी और भी अन्य फिल्मों में अहम किरदार निभाए। ऋचा जी, मैं चाहूँगा कि आप इस सत्र को आगे बढ़ाएं और गोविंद जी से हमारा परिचय कराएं। धन्यवाद। किताब रख। थैंक यू हर्ष। आज का ये जो बदकही का एपिसोड है ये बेहद ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भारतीय सिने जगत और भारतीय रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार और अभिनेता हैं, श्री गोविंद नामदेव जी। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बदकही के आज के एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनको नमस्कार कहता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि बातचीत होगी वो किसी ना किसी स्तर तक और किसी ना किसी हद तक हम सब के लिए फ्रूटफुल होगी, ताकि ये एहसास भी रहे कि हमारा जो हमने जो समय दिया वो जाया नहीं गया। बिल्कुल जी। आज का जो हमारा विषय है वो है रंगमंच और सिनेमा। जब रंगमंच और सिनेमा की बात आती है तो ये दोनों ही विधाएं ऐसी हैं जो कि समाज पर अपना एक बहुत ही गहरा प्रभाव रखती हैं। या हम इन दोनों के इतिहास की बात करें तो रंगमंच का इतिहास तो बहुत ही प्राचीन है, यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारी पहली नगर सभ्यता रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें भी हमें रंगमंच के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद यदि हम ऋग्वैदिक काल में आ जाते हैं तो पुनर्वा और उर्वशी के संवाद हमें मिलते हैं, और जो 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक का जो समय रहा है, भरत मुनि जी का काल जिसे कहा जाता है, तब तो नाट्यशास्त्र की रचना हुई। और नाट्यशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लगभग सारी विधाओं को उन्होंने समावेशित किया। तो रंगमंच का इतिहास तो बहुत ही प्राचीन है, जबकि सिनेमा का जो इतिहास है वो कुछ ही सालों का है, यानी हम ये कह सकते हैं 1896 में जब लूमियर्स ब्रदर उन्होंने अपने चलचित्रों का प्रदर्शन किया तब से मान सकते हैं, और इसके बाद 1899 का जो सन है तब जो रिकॉर्डिंग हुई थी, मैं थोड़ा नाम भूल रही हूँ, द रेसलर करके एक मोशन पिक्चर रिकॉर्ड हुई थी। और 1913 जो सन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हो चुका था दादा साहब फाल्के जी द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रंगमंच का इतिहास है वो बहुत प्राचीन है और सिनेमा का इतिहास कुछ ही सालों का है, लेकिन जो इसका विकास है वो बहुत ही तेज हुआ, बहुत ही तीव्र गति से हुआ। तो सर, यहाँ हम क्या ये कह सकते हैं कि यदि हम सिनेमा से जो इसका टेक्निकल पक्ष है उसे हटा दें तो रंगमंच जो है वो सिनेमा का आधार है? सिनेमा का आधार रंगमंच ही है। जो भी कला प्रदर्शन हुआ करते थे पहले, वो सब ऑन स्टेज ही रहे, रंगमंच के ऊपर ही रहे। सो हम कह सकते हैं कि जो सिनेमा का आधार है वो रंगमंच है। सर, इसको थोड़ा सा और आप यदि डिटेल में बताएं कि जैसे पारसी रंगमंच को भी हम इसमें ले सकते हैं कि जो शुरुआती फिल्में थी उसमें बहुत कुछ एलिमेंट पारसी थिएटर से भी लिए गए, और बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो डायरेक्ट पारसी रंगमंच से फिल्मों की तरफ आए थे, जैसे पृथ्वीराज कपूर जी हैं या जीवन हैं, और अर्धेश्वर ईरानी जी ने आलम आरा का निर्माण किया जो पहली बोलती फिल्म है। तो जो ड्रामेटिक डायलॉग वगैरह हुआ करते थे उस पर किस तरह का प्रभाव रहा अपने हिंदी सिनेमा पे, पारसी रंगमंच?
हिंद पारसी रंगमंच का ही ज़्यादातर प्रभाव रहा हमारे सिनेमा पर। जैसे पृथ्वीराज कपूर का एक उनका अपना ग्रुप भी था, और जो जिस तरह से वो नाटक तैयार करते थे, जिस तरह से नाटक में अदायगी हुआ करती थी, तो शुरुआती दौर में उन्होंने वही अदायगी अपनी सिनेमा में भी रखी। और चूंकि उस समय के जो दर्शक हैं वो उनके ऐसे पारसी रंग शैली से काफ़ी परिचित थे, सो उनको वो सिनेमा में भी उसका जब रंग दिखाई दिया पारसी शायर का, तो उसको भी उन्होंने पूरे पुरजोर से स्वागत किया। और वहाँ से ही धीरे धीरे पारसी शैली के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा एक ड्रामेटिक रियलिस्टिक और ड्रामेटिक दोनों स्टाइल साथ में चली, पारसी स्टाइल को छोड़ा, और उसके बाद फिर थोड़ा एक जैसे बोलते हैं डायलॉग बाजी फिल्मों में आई। हमारे राजकुमार साहब इसमें काफ़ी फेमस रहे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत फेमस रहे, सो वो डायलॉग बाजी आई। और अभी का जो समय है वो पूरी तरह से रियलिस्टिक है, रियलिज्म से जुड़ी हुई कहानियाँ आ रही हैं, रियलिज्म से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, उसी हिसाब से अभिनय की अदायगी भी उसी हिसाब से रियलिस्टिक है, रियलिज्म के ज़्यादा नज़दीक है, और लोग उन्होंने इसका बहुत ही तहे दिल से इसका भी स्वागत किया है। अभी लोग बहुत जल्दी एसोसिएट कर लेते हैं इस तरह के अदायगी के साथ, इस तरह के सब्जेक्ट के साथ। सो इसी वजह से जो वेब सीरीज जैसे अभी आ रहे हैं, जो वेब सीरीज हैं या जो इस तरह की फिल्में हैं जो रियलिज्म से जुड़ी हुई हैं, आजकल के समाज से जो सब्जेक्ट उठाए जा रहे हैं, जो बायोपिक्स उठाए जा रहे हैं, वो भी लोगों ने खूब तहे दिल से उसका स्वागत किया है। ऐसी फिल्में खूब चली हैं और इसी तरह के सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, आम जिंदगी से उठाई हुई कहानियाँ आ रही हैं। सर यहाँ एक चीज ये मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जो रंगमंच है उसमें कल्पनाशीलता और प्रयोगधर्मिता बहुत अधिक होती है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब सिनेमा में भी हम इस तरह का कुछ प्रयोगशील और कल्पनाशीलता को ला सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शायद रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, या अब वो दौर आ चुका है कि इस तरह से काम हो? मुझे नहीं लगता इसको इतना ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट करें कि रंगमंच में ज़्यादा प्रयोगधर्मिता है या प्रयोगशीलता है और फिल्मों में नहीं है। फिल्मों में मतलब हर कदम पर हर जो डिपार्टमेंट है बहुत ही, उसमें हर तरह के प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग होते हैं। ये ज़रूर है कि आजकल के समय ये चूँकि इसमें इस फिल्म मेकिंग में पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, सो एकदम से जल्दी प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं हो पाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनके सामने ये भी रहता है कि ये प्रयोग हमारा सफल हो गया तो हमारा पैसा सब खत्म हो जाए। सो इस तरह से शॉर्ट फिल्म्स बनने शुरू हो गई, इस तरह से ये जो अभी वेब सीरीज़ की जो मैंने चर्चा की, वेब सीरीज़ आए तो उनमें इस तरह के प्रयोग हुए और लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। अभी लोग इस तरह के प्रयोग देखना भी चाहते हैं, करिए उसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी, ये जो उन्होंने कुछ स्टाइल निकाला था या ये जिस तरह की लाइटिंग इस वाले प्रोग्राम में देखने को मिली ऐसी कहीं नहीं देखी मिली, तो इस तरह के प्रयोग भी अभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको अच्छे लग रहे हैं। और चूंकि उनको अच्छे लग रहे हैं इसलिए लगभग हर प्रोग्राम में कोई ना कोई इस तरह के प्रयोग सामने आ रहे हैं। सर आप दोनों ही माध्यमों से आज भी जुड़े हुए हैं, दोनों ही माध्यमों में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो रंगमंच हो या सिनेमा हो, तो एक अभिनेता के तौर पर आप दोनों ही माध्यमों में क्या अंतर पाते हैं और क्या समानता पाते हैं परफॉर्मेंस के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर
जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो कौन सा माध्यम आपको ज्यादा प्रभावित करता है और किसे आप किस तरह से मतलब अंतर और समानता उस वक्त देखते हैं जब आप अभिनय करते हैं? रंगमंच, चूंकि रंगमंच में ही मेरा आर्टिस्ट पैदा हुआ है, सो मैं मेरे अंदर का जो एक्टर है वो रंगमंच से ही पैदा हुआ है। रंगमंच मेरे शिराओं में है, मेरे रगों में है, सो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन फिल्म का जो फिल्म की जो विधा है उसकी पूरी दुनिया ये बात इतनी अट्रैक्ट करती है, मुझे तो करती है, पूरी हमारी जो अभिनेता समाज है, हमारी अभिनेता बिरादरी है, उसको भी ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है। हर व्यक्ति जो सिनेमा से जुड़ा हुआ है, एक फिल्म हिट होते ही पूरी दुनिया में उसका नाम होने लगता है, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वाला हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, हर व्यक्ति का नाम ऐसे चला ऐसे पूरी दुनिया में छा जाता है। कई फिल्में ऐसी आई जो ओस्कार अवार्ड्स में हमारे काफ़ी लोगों ने ओस्कार अवार्ड्स लिए, तो इवन कॉस्ट्यूम में भी ओस्कार अवार्ड मिला, एडिटिंग में भी मिला ओस्कार अवार्ड, म्यूजिक में भी मिला, तो देखते देखते पूरी दुनिया में उस व्यक्ति का नाम हो जाता है। तो इस बात को तो कोई मतलब नकार नहीं सकता, उसकी इस बहुत बड़ी खूबी को, सिनेमा की बहुत बड़ी खूबी। सो मैं भी उस इस सिनेमा की इस खूबी का कायल हूँ। जब मैं दिल्ली में 11 साल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर रहा और खूब अच्छा अच्छा काम किया, एक से एक बेहतरीन नाटक हमने किए, एक से एक बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। 11 साल तकरीबन 30-35 नाटक हमने किए, और मैं मतलब हालांकि मैं खुद अपनी तारीफ करना कह सकते हैं इसको कि ऐसा थिएटर मैंने कहीं देखा नहीं जिस तरह का थिएटर मैं करता रहा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के साथ इन 11-12 सालों में। लेकिन जिन लोगों ने ये नाटक देखा, जिन लोगों ने ये हमारा स्टेज परफॉर्मेंस देखा, हमारा ये रंग कर्म देखा, बस उन्हीं को मालूम है कि हमने किस लेवल का, किस स्तर का रंगमंच किया। बाकी नाटक खत्म, दर्शक खत्म, मतलब अगर मैं आज मैं अगर याद करूं तो मैं ही कह सकता हूं कि मैंने ये पट्टे उखाड़े थे और मैंने ये तुखम काम किया था स्टेज पर, लेकिन वो मैं ही कह सकता हूं, या जिसने देखा वो कह सकता है। अगर वो देखने वाले हैं नहीं तो कौन जानता है कि मैंने क्या किया। तो ये एक बड़ा एक सेटबैक था मेरे लिए। अब मैंने इस तरह की परफॉर्मेंस शेक्सपियर का ओथेलो मैंने किया, उसमें ओथेलो का कैरेक्टर किया जिसको जर्मनी के फ्रिट्ज बेनेविट्स ने डायरेक्ट किया, या मैंने अंधा युग किया जिसके हमने शो जर्मनी में किए बर्लिनर फेस्टिवल में जिसका शो हुआ, जिसमें तकरीबन 6-7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन जर्मन पब्लिक ने हमको दिया। लेकिन वो सब एक सिर्फ किंवदंती है, कहानी है, क्योंकि वो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये एक बड़ा सेटबैक सा महसूस हुआ। मैं अभी मैं याद करता हूँ तो इतना मैं रोमांचित हो जाता हूँ, जिस तरह की नाटक मैंने किए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जिसमें ओका का मैंने कैरेक्टर किया था, मत विलास जिसमें कपाली का कैरेक्टर मैंने किया था, आजर का ख्वाब जिसमें आजर का कैरेक्टर मैंने किया था, पगला घोड़ा, मतलब तो इस तरह के नाटक मैंने किए, इतने बड़े बड़े नाटक किए, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स किए, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन वो सब सिर्फ कहानी है, इतिहास है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन उसका उस समय ऐसे सिलसिला था, सो वो सब हमारे साथ ही ख़त्म हो गए। सिर्फ थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं,
सो अभी मैं सिर्फ अपने जो अपने बच्चे हैं या मेरे बच्चों के बच्चे हैं उनको सिर्फ कह ही सकता हूँ कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो अगर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेड, जैसे अभी मैं फिल्म दिखाऊं बच्चों को, देखो मैंने ये काम किया, ये मैंने विरासत फिल्म की, ये मैंने बैंडेड क्वीन फिल्म की, ये मैंने कच्चे धागे की, ये प्रेमगंज की, ये देखो ये मेरा काम, तो बच्चों को मैं दिखा सकता हूँ, बच्चे देख सकते हैं। आज से 100 साल के बाद भी बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, मेरी आगे की जनरेशन देख सकती है कि मैंने क्या काम किया, हमारे बाप दादाओं ने क्या काम किया। ये बहुत बड़ी खूबी है सिनेमा की। सो रंगमंच और सिनेमा में एक बड़ा अंतर यह है, और दूसरा एक अभिनय के तौर पर, अभिनेता के तौर पर मैं ये महसूस करता हूँ कि दोनों विधाओं के अपने चैलेंजेस हैं। जैसे स्टेज का, रंगमंच का चैलेंज ये है कि अगर मैं 2.5 घंटे का नाटक कर रहा हूँ, जैसे मैंने ओथेलो किया या आर्थर का ख्वाब किया, 2.5 घंटे का, 2-2.5 घंटे के नाटक हैं, और अगर मैं सेंट्रल कैरेक्टर कर रहा हूँ और शुरू से लेकर आखिर तक मैं स्टेज पर हूँ लगातार, एक आधा कोई छोटा मोटा सीन हो जिसमें ना हो, लगातार अगर मैं हूँ 2.5 घंटे मुझे परफॉर्म करना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मेरा मेरे सभी मूवमेंट्स, मेरी मेरे डायलॉग डिलीवरी, मेरे उसमें कोई फंबल ना हो, मेरे इमोशंस की डिग्री जो तय हुई है, जो उस कैरेक्टर की इमोशंस हैं उसमें किसी तरह का बदलाव ना हो, और दूसरे को एक्टर्स के साथ जिस तरह का तालमेल बैठाया गया है, जिस तरह की रिहर्सल्स किए हैं, उसमें किसी तरह की गड़बड़ ना हो, और 2.5 घंटे तक लगातार पूरे फोकस्ड होके हमें वो परफॉर्मेंस साथ लेके चलनी होती है विदाउट एनी मिस्टेक। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये जो चैलेंज है ये एक्टर को मान देता है, उसको उसके अभिनय के कौशल को एक धार देता है, क्योंकि हर बार उसको लगातार मतलब इतना एक तो रिहर्सल करनी पड़ती है और इतना फोकस रहना पड़ता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, तो वहाँ हम मिस्टेक नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हर कदम पर इस चैलेंज को स्वीकार करता हुआ एक्टर अपनी पूरी परफॉर्मेंस देता है शुरू से लेकर आखिर तक। अगर उसने अच्छा काम किया, अगर उसने अपने आप को प्रूव किया, तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। जैसे मुझे, मैं बता रहा हूँ, जैसे जर्मनी में हमको जर्मन पब्लिक ने इतना बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा अचीवमेंट है जो, और उस तरह का एहसास जो मुझे तब हुआ था वहाँ पर, वो आज तक नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में मेरी हिट हुई हैं, इतने मतलब जो भी अवार्ड्स मुझे मिले हैं, नहीं हुआ। वो एक अलग ही रोमांच था जो वहाँ की पब्लिक में, एक हिंदुस्तान की इज्जत को जो एक इज्जत को बढ़ाने में जो हमारा एक योगदान हमने महसूस किया, वो हमको दोबारा से उस तरह का एहसास नहीं हुआ। सो ये हुई रंगमंच के चैलेंज की बात, और जब हम सिनेमा पर आते हैं तो सिनेमा में अगर हम क्लोजअप की बात करें, क्लोजअप में सिर्फ सामने कैमरा होता है और एक्टर इस कैमरे के सामने है। अब ना तो कोई कैरेक्टर है आगे जिससे वो बातचीत करेगा, जिससे इंटरेक्ट करेगा, जिसकी बात को वो रिएक्ट करेगा। एक असिस्टेंट डायरेक्टर डायलॉग बोलता जाता है और ये एक्टर उस पर रिएक्ट करता है। अब अगर उसको रोना है, अगर आंसू आने हैं, तो बिल्कुल उसकी उसने डायलॉग दिया असिस्टेंट डायरेक्टर ने, और एक्टर को इमेजिन करना है कि ये ऐसा ऐसा हुआ और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर ने ऐसे ऐसे मुझको बोला और उसका असर मेरे ऊपर ये हुआ और अब मेरे आंखों में आंसू आने, और मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकता, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता, ज़्यादा ज़ोर से देख नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा कैमरा यहाँ लगा हुआ है, आपकी छोटी सी पुतली भी हिलेगी तो भी वो दिखेगी। सो आपको बिल्कुल फोकस होके जितना डिग्री में आपको इमोशंस देनी है, जितने डिग्री आपको अपने डायलॉग डिलीवरी में रखनी है, इंटेंसिटी, वो पूरा
संभाल संभाल के परफॉर्म करना पड़ता है, और वो भी सिर्फ क्लोजअप में एक मशीन के सामने। ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो एक्टर इसमें पारंगत हो जाता है, जो करते करते अभ्यास करते करते जो इसमें अपना 100% दे लेता है, हो जाता है। इसी तरह से मदन मंच पर जो 2.5 घंटे लगातार परफॉर्म कर सकता है पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अजायर होके, पूरा फोकस होके, वो रंगमंच पर सक्सेसफुल हो जाता है। ये फर्क है मंच में और सिनेमा में। सर, आपके निर्देशन में काम करने का मौका मुझे भी मिला, और एमपीएसडी में भी आपने हमारी जब वर्कशॉप ली, तो जब आप नाटक निर्देशित कर रहे थे उस समय भी और वर्कशॉप के दौरान भी, आपने एक जो बात हमें बताई हम लोगों को जब आप वर्कशॉप दे रहे थे, कि जो आवाज की सहजता को लेकर आपने एक कई अभ्यास कराए, क्योंकि जब तक आवाज सहज नहीं होगी हमारी परफॉर्मेंस पर भी बहुत असर पड़ता है, जिसकी खोज एक तरह से आपने की है उस एक्सरसाइज जो आप जो अभ्यास कराते हैं, जिसमें हल्के से बोलना और वो सारी चीजें हैं, तो सर उसको आपने कैसे इजाद किया, उसके बारे में कुछ यदि बताएं, और वो हमारे जो अभिनेता जो भाभी पीढ़ी है वो देख रही होगी ये, तो वो भी समझ सकती है कि आवाज का उसकी सहजता का कितना महत्व है, चाहे हम किसी भी माध्यम में काम कर रहे हो, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, सिनेमा हो, रंगमंच है, उसके बारे में। क्या हुआ था कि जब मैं एनएसटी में मैंने प्रवेश किया, तो उस समय हायर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी थी एनएसटी में प्रवेश पाने की, 11वीं क्लास। मैं सागर से 7वीं क्लास पास करके निकला था, दिल्ली में पढ़ाई की थी मैंने, बाकी मैं 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैंने दिल्ली में पढ़ाई की। जैसे मैं 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं 4 साल तक मैंने स्कूलिंग की। स्कूलिंग के दौरान जो एक बुंदेलखंडपना मैं लेके आया था सागर से, वो कोई भी ऐसा मुझे संपर्क या ऐसी कंपनी मुझे मिली नहीं कि मैं उस कंपनी में अपने उसको थोड़ा सा और अच्छा हिंदी बोल लूँ और बुंदेलखंड का जो फ्लेवर है वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से मैं कम कर लूँ। नहीं हो पाया था। तो एनएसटी में जैसे ही प्रवेश लिया, तो वहाँ पर तो सभी लोग, कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड कॉन्वेंट स्कूल से, कोई इस तरह के अंग्रेजी वातावरण से शिक्षा लेके आया, कोई बड़े घरों से आया, बहुत सारी ऐसे, तो वो सब पहले से ही इन चीज़ों में होशियार थे, मैं नहीं था। मेरी आवाज़ भी हमारे जैसे हमारे बुंदेलखंड में थोड़ा हाई नोट बोलते हैं, कहा भैया तुम होते कहा चले गए, हमसे कहीं नहीं, हम भी चले जाते तुम्हारे संग, तो ये थोड़ा सा हाई नोट बोलते हैं और थोड़ा सा उसमें सिंग सॉन्ग क्वालिटी भी है, ये वहाँ एक्सेप्ट हुई नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुई, लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। मैं पूरी कोशिश करता था, लेकिन वो जो हमारा सुर है जो हमें बुंदेलखंड से मिला है, सुर तो एक पक्का सा हो जाता है आदमी का, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँ लेकिन वो बात वहीं आ जाती थी, हम कहीं ना कहीं वो हाई नोट हो जाता था और मेरी आवाज़ बहुत ख़राब साउंड करती थी। तो जब एनएसडी में प्रवेश लिया तो मेरी आवाज़ भी बहुत ख़राब थी, मेरा बोलना भी बहुत ख़राब था, मेरे जो सा शा का जो फ़र्क है वो भी ठीक तरह से ठीक हो नहीं पाया था वहाँ पर एनएसडी में। सब लोगों ने थोड़ा सा मजाक में, एक मजाक का विषय बन गया वहाँ। एक 2-3 महीने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे डायरेक्टर साहब ने रियलाइज़ कराया मुझे कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, उनको मालूम था कि मैं मेहनती हूँ और जो मेरा पिछला मेरा रिकॉर्ड है वो तो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से मुझे एनएसडी में लिया गया। तो उन्होंने जब मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरे अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हैं और मैं किस तरह से उनको दूर कर सकता हूँ अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो, और उन्होंने कहा कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आप बहुत नाम कमाओगे,
वहाँ जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ तब वहाँ से मतलब 75 में मैंने ज्वाइन किया था एनएसजी 75 जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ऐसे ही गए मेरे और अक्टूबर से 75 अक्टूबर से मैंने अपनी आवाज़ पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत डिटेल में किस तरह से आवाज़ ख़राब होती है, लोगों की आवाज़ ख़राब क्यों होती है, उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, क्या क्या एक्सरसाइज सभी किसको सूट करती है किसको नहीं कर, एक ही एक्सरसाइज सभी को सूट नहीं करती क्योंकि सभी के गले की बनावट, उनके बोलने के तरीके, उनकी बोलने का शोर पिच वगैरह सब अलग अलग होती है। सो कौन सी एक्सरसाइज कौन से एक्टर को सूट करती है, ये सब चीज़ें करते 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 आवाज़ के बारे में मेरी जानकारी और लोगों से ज़्यादा बेहतर होने लगी क्योंकि मैं बिल्कुल पीछे पड़ गया था। मुझे ये एहसास हो गया था कि अगर मेरी आवाज़ ठीक नहीं हुई तो मैं इस फील्ड में आगे कुछ नहीं कर सकता। तो बीच में ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक रेफरेंस मैं देना चाहूँगा जो सुन रहे हैं उनको भी शायद उससे कुछ मोटिवेशन मिले। जब मैं इस प्रोसेस में था अपनी आवाज़ को ठीक करने के तो सबकी आवाज़ें सुनता था, जो एडवर्टिजमेंट में जो वॉइस ओवर दिया करते थे उनकी आवाज़ें भी सुनता था, आम जिंदगी में जो एक्टर अच्छा बोलते हैं उनको सुनता था, जो फिल्मों में अच्छी आवाज़ वाले एक्टर्स हैं उनकी आवाज़ें भी बहुत ध्यान से सुनता था। और मैं कोशिश मैं मतलब ध्यान मेरा सब चला जाता था कि मुझे इस तरह की आवाज़ कैसे आए और उसके लिए मैं कोशिशें करता था। एक मैंने तभी उन्हीं दोनों देवकी नंदन पांडे नाम के बहुत बड़े न्यूज़ रीडर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के, राकेश पांडे जो हमारे एक्टर हैं उनके फादर, उनकी मतलब आवाज़ ऐसी थी कि जैसे ही न्यूज़ शुरू होती थी लोग खड़े हो जाते थे, कोई पान के टपरे पर खड़ा हुआ है, कोई चाय की दुकान पर, वो खड़े हो जाते थे सिर्फ सुनने के लिए क्योंकि वो इतना अच्छा न्यूज़ रीडिंग करते थे उसका जवाब नहीं, और क्या बढ़िया आवाज़ थी उनकी। जब उनका पहला सेंटेंस आता था ये आकाशवाणी है अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, ये जो सुनता ये मुझे मतलब मेरे दिमाग में घुस गई थी बुरी तरह से कि मुझे ये आवाज़ चाहिए चाहिए, मुझे ऐसी आवाज़ ज़रूर निकालनी चाहिए, मुझे ढूंढना चाहिए अपने अंदर से कि ये आवाज़ कैसे आएगी। उन्हीं दोनों हो सकता है एक उनका रिटायरमेंट हो गया देवकी नंदन पांडे साहब का, तो ख़ास मौक़ों पर उनकी न्यूज़ रीडिंग ज़रूर हुआ करती थी, जैसे गणतंत्र दिवस है या 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है या और दूसरे इस तरह के बड़े मौक़ों पर उनकी न्यूज़ रीडिंग बहुत उनको बहुत स्पेशल फील कराया जाता था, उनको बुलाया जाता था। एक छोटा सा किस्सा हुआ कि उनको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बुलाए जाने की बात आई तो वहाँ के उनके जो सहपाठी हैं या उनके जो बॉस हैं मिनिस्ट्री से को कहा गया कि इनको लेके आओ इसके लिए, तो वहाँ के जो बॉसेस हैं उन्होंने कहा कि सर वो थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं और हमारा ये प्रोग्राम भी ड्रिंक करने करके आ जाते हैं तो हम उनको नहीं बुला सकते हैं। तो हो सकता है ये बात मतलब किसी ने ऐसे ही उड़ाई हो और मुझे, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो उन्होंने कहा नहीं उनको समझाओ हमको ये आवाज़ चाहिए हमारे वॉलंटियर रेडियो के लिए, उनको समझाओ और उनसे कराओ ये प्रोग्राम। तो उनको कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है मैं तो एक दो ज़रूर ले कर आऊँगा क्योंकि वो उनके रूटीन में आ गया था और मैं लेकिन मैं मतलब ये गारंटी देता हूँ प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो जैसे तैसे उनको मतलब
स्वीकार किया गया बॉसेस की तरफ से कि ठीक है चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो वो ड्रिंक करके और ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे आते थे, कुर्सी पर बैठते थे, लोग संभालते थे उनको, और वो माइक के सामने फिर अपना न्यूज़ एडिटिंग करते थे। और क्या कमाल की न्यूज़ एडिटिंग करते थे, और कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ करती थी। तो ये और फिर उनको इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया कि वो आते थे, लोग संभालते थे और वो अपना काम करते थे। इस बात ने मुझे इतना इंस्पायर किया, इतना ज्यादा इंस्पायर किया, मेरे अंदर ये विचार जन्मा कि इनकी आवाज की वजह से इनको हर तरह से इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, हर तरह से इनको इतना मान दिया जा रहा है इनकी आवाज की वजह से। तो मेरे अंदर भी, मैं भी अपनी आवाज ऐसी तैयार करूंगा कि लोग मेरी आवाज की वजह से मुझे इतना सम्मान दें, इतना आगे आगे फिल्मों में काम दें, या फिल्मों में मुझे आवाज की वजह से माना जाए। तो मैंने उनकी वो आवाज पकड़ के और उसके ऊपर खूब अभ्यास किया। सो अगर जो भी थोड़ी बहुत आवाज बेहतरीन साउंड करती है मेरी, तो बहुत बड़ा हिस्सा देवकी नंदन पांडे साहब का है इसमें, जो मुझे उन्होंने इंस्पायर किया और जो उन्होंने आवाज का जो एक कलर हमको दिया, वो कलर मैंने हो सकता है 50% या 25% जितना भी लिया, मुझे बहुत फायदा दिया। आज मुझे आवाज की वजह से काफी रोल मिलते हैं, काफी फिल्मों में काम मुझे मिला है, अच्छा अच्छा बेहतरीन काम मुझे आवाज की वजह से भी मिला है। सो आवाज के बारे में अभी भी मैं अपना अभ्यास छोड़ता नहीं है। जब भी मुझे डबिंग करनी होती है तो मैं डबिंग करने के दिन सुबह अभ्यास करके जाता हूँ, 1 घंटे का अभ्यास मेरी आवाज़ के लिए होता है। सो अभ्यास मैंने छोड़े नहीं है, और इसी की वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी सी ताजगी रहती है। मेरे काम करने का तरीका भी ऐसा ही है कि जो भी रोल मुझे दिया जाता है, जो भी कैरेक्टराइजेशन मुझे उसका, जो भी कैरेक्टर मुझे दिया जाता है उसकी पूरी कैरेक्टराइजेशन करके ही मैं कैमरे के सामने जाता हूँ। उसकी पूरी तैयारी, उसका कैसा लुक रहेगा, उसकी चाल ढाल कैसी होगी, उसके बोलने का सुर क्या होगा, उसका उसका सोशल स्टेटस के हिसाब से पिच क्या रहेगी, और लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप क्या होगा, और राइटर ने जिस मकसद से उस कैरेक्टर को रखा है वो मकसद क्या है। सो ये बहुत सारी चीज़ें, इनके ऊपर काफ़ी वर्क करता हूँ मैं, रिसर्च वर्क भी रहता है लुक वगैरह के बारे में। सो मेरे कैरेक्टर्स भी फिर उस हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ताजगी लिए हुए आते हैं। सो आवाज़ को लेके काफ़ी वर्क रहा है, काफ़ी रिसर्च वर्क रहा है मेरा आम जिंदगी से भी, और जो आवाज़ें हमको बहुत बेहतरीन लगती हैं उन आवाज़ों को सुन सुन के भी उनको, उनकी बारीकियों में गया हूँ मैं। बारीकियों में जाने का एक मुझे अभ्यास हुआ है, तो मुझे समझ में आता है कि किसकी आवाज़ में क्या गड़बड़ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है, और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए किस तरह से हल्केपन की बात तुमने की रिचा, वो रियलाइजेशन है जो मुझे लोगों की आवाज़ों में, आवाज़ों को सुन सुन के आया है। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस में और एक एवरेज परफॉर्मेंस में जो फ़र्क है, उस फर्क को जब मैंने समझा है तो वहाँ मालूम पड़ा है कि अच्छा ये वाला सुर जो है, इनकी आवाज़ का ये जो हल्कापन इसमें मिसिंग हो रहा है, और ये इनके हल्कापन आ रहा है, तो इस वजह से ये आवाज़ों की वजह से, फिर आवाज़ के साथ साथ एक्सप्रेशन जो है वो भी अगर हल्कापन रहता है तो उसमें भी इमोशंस आने में आसानी होती है, एक्सप्रेशन आने में आसानी होती है, आँखों में एक्सप्रेशन दिखता है। और अगर जो जिस आवाज़ में हल्कापन नहीं होता उसमें ये बारीकियाँ नहीं आ पाती। तो ये सब रिसर्च वर्क की वजह से मुझे इसका अंदाज़ा हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है, और वही मैं फिर जिनको मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको भी समझाया, या जो मैं नाटक डायरेक्ट करता हूँ, तो अपने एक्टर्स को भी मैं ये समझाता हूँ कि बेहतरीन परफॉर्मेंस ही करने की कोशिश करूँ,
एवरेज परफॉर्मेंस तो हर कोई कर लेता है, उसमें कुछ ना कुछ बारीकियां, कुछ ना कुछ अलगपन लेके आना ही एक एक्टर का काम है। सो वो सब आपके परफॉर्मेंस में भी दिखा है मुझे, और बाकी और लोगों की परफॉर्मेंस में भी दिखा है जिन्होंने मेहनत की है। सर आपने डबिंग की बात कही कि डबिंग पर भी जब जाते हैं आप तो पूरा अभ्यास उसका भी करते हैं, जो कैरेक्टर हम कैमरे के सामने जब प्ले करते हैं, जो सिचुएशन रहती उस वक्त हम जब अभिनय कर रहे होते हैं, कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, और जब हम डबिंग स्टूडियो में आते हैं, जो हम आवाज़ वहाँ दे चुके हैं उस दौरान जो हम चीज़ें बोल चुके हैं, और वही फिर जब हमें फिर से दोहराना होता है डबिंग के दौरान, वो कहीं क्या चीज़ें हैं जिनसे ये आसान हो सकता है, क्योंकि डबिंग के टाइम पर वो चीज़ें, वो माहौल वैसा तो नहीं होता, लेकिन आवाज़ हमें वैसी ही चाहिए जो उस समय थी, तो उसके लिए सर कुछ क्या ट्रिक है, किस तरह से कर सकते हैं? उस समय बहुत सारे लोगों के साथ ये इस तरह की समस्या आती है कि वो उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है जब डबिंग करते हैं, तो उसके पीछे भी मतलब मैं रीज़न ये पाता हूँ कि कैमरे के जो परफॉर्मेंस आपने कैमरे के सामने दिया, जो भाव आप कैमरे के सामने लाए, वही भाव आपको माइक के सामने भी आना पड़ेगा। जब तक वो हल्कापन के साथ वो भाव आप नहीं देंगे, वो साउंड में भी वो भाव नहीं आएगा, क्योंकि साउंड में ही तो इमोशंस होती हैं, और वो साउंड आपके हल्केपन के बोलने के साथ ही 100% आते हैं। सो हल्कापन और उस भाव को बहुत ही फोकस्ड होके लाना पड़ता है माइक के सामने। ये दो चीज़ें अगर आ जाएंगी तो, और इसका फिर अभ्यास भी हो जाता है, इसका घर में अभ्यास करो, जो लोग भी और दूसरे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं डबिंग में, जिनको परेशानी है, उनको इसका अभ्यास करना चाहिए घर में भी। सो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सर आपके जो रंगमंच के किरदार रहे हैं, चाहे वो ओथेलो हो या अश्वत्थामा आपने अंधा युग में प्ले किया, या और भी नाटकों में आपने अहम किरदार निभाए हैं, फिल्मों में भी निभाए हैं, उसमें से कुछ किरदार जो सर आपके बहुत करीब हैं, कैसे आप उसको स्केच करते हैं पूरे कैरेक्टर को, चाहे वो रंगमंच का हो या सिनेमा का हो, जो भी कैरेक्टर्स आप बताना चाहें? मेरे सभी कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आम जिंदगी से मैंने उनकी इमोशंस उठाई हैं, आम जिंदगी से उनके फीलिंग उठाई हैं। चाहे वो ओथेलो को ले लो, चाहे वो अश्वत्थामा को ले लो, ये या एक और नाटक हमने किया था जिसका मैं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और इसी तरह से हमारी और जो फिल्मों के जो मेरे कैरेक्टर, फिल्मों के मेरे हर कैरेक्टर को आम जिंदगी से किसी न किसी रूप में मैंने जोड़ा है। अगर हम इसका थिएटर की बात करें, एक मैं मेंशन कर सकता हूँ थिएटर का, एक नाटक एक कैरेक्टर, और एक मैं फिल्मों का, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से मैं कैरेक्टर बनाता हूँ, किस तरह से कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, खासतौर से उसका जो इमोशनल स्ट्रीम है उस कैरेक्टर का, वो कैसे आम जिंदगी से लेता हूँ। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहले किरण तक का जो कैरेक्टर है, ओकाक नाम का कैरेक्टर है, जो राजा है और जो नपुंसक है, वो कैरेक्टर मैं कर रहा था। अब इस स्थिति में जो व्यक्ति है वो हर तरह से कोशिश करता है अपनी उस कमी को किसी तरह से पूरी करने का, कमी को निकाल देने का। कभी वो ज्योतिषियों से करता है, कभी वो टोने टोटके करता है, तो इसके लिए बहुत सारी मैं टोने टोटके एक धागा बांध के रखता था, उसमें धागे मान लेता था, उसमें बहुत सारे स्टोन्स मैंने इम्प्रोवाइज किए थे ताकि दिखाई दे वो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोशिशों में लगा हुआ है कि अपने नपुंसकता को
किसी तरह से जड़ से उखाड़ दे, लेकिन होता नहीं ऐसा, लेकिन फिजिकली दिखता है वो। अब जब इसके साइकोलॉजी में जाने की बात आई तो इसके लिए मैंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया। रिहर्सल्स, पहले रिहर्सल्स के दौरान अपने आप को तैयार करता रहा। व्यक्ति हमेशा अपने आप को जमीन पर बोझ मानता है, मैं बेकार हूँ, वेजिटेबल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मैं अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो, वो अपने आप को बिल्कुल वेजिटेबल मानता है, बोझ, धरती पर बोझ मानता है। सो, ऐसा फील मैं लाता रहा। बाद में जैसे हम स्टेज पर पहुंचे तो जैसे ग्रैंड रिहर्सल वगैरह होती हैं, लास्ट की 2-3 रिहर्सल्स, उसमें लिटरली मैंने, जैसे उसमें एक सीन होता है कि पता नहीं, मेरे ख्याल से सबको इस नाटक के बारे में नहीं मालूम होगा, इसमें एक राजा है जो अन्नपुंसक है और जो उत्तराधिकारी नहीं पैदा कर सकता है, तो इसके लिए एक नियोग प्रथा का चलन था पुराने जमाने में। उस नियोग प्रथा के अंतर्गत रानी को एक रात के लिए एक पुरुष चूज करने का अधिकार होता था, अधिकार भी होता था और उसको मजबूरी भी होती थी, और वो चूज करके, मतलब उसके लिए बाकायदा स्वयंवर होता था, काफी लोगों का जमघट होता था, तो चूज करती थी एक व्यक्ति को, एक पुरुष को, जिसके साथ वो रात भर संभोग करती थी और फिर उससे बच्चा हासिल करने की बात थी। स्वयंवर हो गया और रानी एक दूसरे पुरुष के साथ सामने हवेली पर है और ये राजा खड़ा छटपटा रहा है, पूरी रात ये छटपटाता रहता है, उसको नींद नहीं आती, ये किसी भी पति के साथ हो सकता है, ये एक पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ है और वहां पर वो हवेली में है और वहां पर हर तरह से वो इमेजिन करता है, ये समय इस स्थिति में ये हो रहा है, समय हो रहा होगा। तो इस सीन के बाद जो मेरा सीन आता था जिसमें वो अपनी नौकरानी के साथ पूरी रात अपनी बातें कहता है, उससे बातें कहता है, इस मतलब सो नहीं पाता है, इतना व्याकुल रहता है। तो इस सीन में आने के लिए पीछे अंधेरे में विंग्स के पास जो दीवारें हैं, मतलब ऑडिटोरियम की विंग्स के अंधेरे में, विंग्स के साथ दीवार पर मैं ऐसे खड़ा हो जाता था, उल्टा पीट करके हाथ दीवार के ऊपर, और मैं इमेजिन करता था कि मैं एक बेकार इंसान हूँ, यहाँ इस धरती पर बोझ हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मुझे मारो, ऐसे इमेजिन करता था, और बच्चे इमेजिन करता था कि बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं, भाग रहा हूँ, पागलपन है, नंगा हो गया हूँ, और मुझे बोल रहा हूँ मारो, ऐसी उसकी मनस्थिति में पहुँच जाता था मैं। और इसके बाद जैसे लाइट आती थी मैं धीरे से एंट्री करता था स्टेज के ऊपर, उस समय मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरा सब कुछ बदल जाता था, मेरे एक एक शब्द ऐसे निकलता था, मैं खुद ही महसूस करता हूँ कि इस सीन के बाद लोग मतलब ऐसे हो जाते थे, विचलित हो जाते थे, मतलब काफ़ी देर, इसके तुरंत बाद इंटरवल भी होता है तो काफ़ी देर तक तालियां बजती थी और आंखों का एक्सप्रेशन आज तक मुझे, मतलब कई लोगों से मुझे मालूम पड़ा कि क्या होता था, क्या दिखता था मैं, किस तरह से दिखता था। एक पेंटर ने तो तकरीबन 37 पेंटिंग्स उस प्ले के और मेरे कैरेक्टर को फोकस करके। इनफैक्ट सर, आप अभी ये जो सुना रहे हैं, इसको सुनते हुए ही मैं वहां पहुंच गई, मतलब जो जैसे चित्र स्केच, ये पत्थर मारना और ये सब, तो मैं थोड़ा बहुत सोच सकती
क्यों, कि क्या मौका रहा होगा, वो किस तरह से रहा होगा जब आपने ये प्ले किया हो। जी, तो इस तरह से मनस्थिति तैयार करने के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। सो मैं करता था। इसी तरह से ओथेलो का भी है। ओथेलो में पत्नी के ऊपर शक हो जाता है उसका, जो ओथेलो को, और ओथेलो का जो असिस्टेंट है वो उसके दिमाग को बिल्कुल डिस्पॉइल कर देता है, विश्वास भर देता है कि आपकी पत्नी ने उसको धोखा दिया। तो ये सब चीज़ें लाने के लिए फिर अगेन मैं फिर रियलिटी में जाता था। फिर मैं अपने जो अपनी वाइफ को देखता था कि छल कर रही हो मेरे साथ, ये भी तो पागलपन की हद हो जाती थी। तो मतलब उस समय जब मैं इस पूरे दौर में था ओथेलो के, तो जब मैं जैसे ग्रुप में रिहर्सल हुई, रिहर्सल के बाद लंच आया, लंच के जैसे खाना खा रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसे ऐसी आंखें मेरी चलती थी, क्योंकि वो मनस्थिति वहाँ चली जाती थी। तो खाना खाते हुए भी वो मनस्थिति में ही बना रहता था, और क्योंकि उसका अभ्यास इतना ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह के अभ्यास करके मैंने जो भी नाटक किए हैं वो सुपरहिट हुए हैं, लोगों को बहुत पसंद हुए हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग उन तरह की परफॉर्मेंसेज याद करते हैं। इसी तरह से अश्वत्थामा फादर, जिसने मेरे जिसने छल किया, छल से मेरे फादर को मारा, और उसकी जो विकृत अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचने के बाद फिर वो उस तरह की परफॉर्मेंस करता था। इसी तरह से सिनेमा में अगर हम आए तो सिनेमा में लगभग हर सिनेमा के बहुत छोटे छोटे रेफरेंस देता हूँ मैं। जैसे बैंडेड क्वीन मैंने किया, ये मेरी इसमें सभी लोग थिएटर के थे, मतलब लगभग 100% थिएटर के लोग थे, और सब लोग इस तरह की कैरेक्टराइजेशन करने के या इस तरह की कैरेक्टर करने के अभ्यास नहीं थे। जिस तरह का कैरेक्टर मेरा था, मैंने आज तक इस तरह का कैरेक्टर किया भी नहीं था। जो अभ्यास था एक दो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह क्या होगी ये इस सब के बारे में, जब मैंने रिसर्च वर्क किया तो वो देखा होगा कपड़ा, मेरे सिर के ऊपर कपड़ा और गॉगल्स, ये एक्चुअली मेरे फादर घर से, हमारी दुकान थी सागर में, तो घर से दुकान जाया करते थे, तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला था। तो वो सिर के ऊपर गर्मी से बचने के लिए उसको गीला करके ऐसे वो रख लेते थे तौलिया, और पैदल जाते थे घर से दुकान। तो वो मैंने शेखर कपूर को देखा है, और चूंकि हम पहले से वहाँ पहुँच गए थे चंबल में शूटिंग के लिए, सो गर्मी काफ़ी थी, तो उसके ऊपर मैंने गॉगल्स भी लगाया हुआ था गर्मी से बचने के लिए। सो तकरीबन हम इसी उधेड़ में लगे हुए थे कि क्या क्या करना है, क्या और कैरेक्टराइजेशन में क्या क्या ऐड करना है, और क्या क्या डायरेक्टर शेखर कपूर से अप्रूवल लेना है, उस सब पूरे प्रोसेस में चल रहे थे। तो शूटिंग शुरू होती हो गई थी, हम लोग 4-5 दिन पहले पहुंच गए थे वहां पर। तो एक शूट हम सेट पर पहुंच जाते थे डेली, सेट में हमको साथ में ले जाया जाता था। तो ये उनका स्टाइल था कि सारे एक्टर्स सेट पर हों, सेट पर मतलब जहां हम शूटिंग कर रहे हैं लोकेशन पर, ताकि आप लोकेशन महसूस करें, आपको पहाड़ों से उतरना आ जाए, पहाड़ों पर चढ़ना आ जाए, लगे कि कच्चापन नहीं है, प्रोफेशनल है। ये सब चीज़ें करने के हिसाब से हमको पहले से बुला लिया जाता था, उनका स्टाइल था ये। सो हम 5 दिन पहले पहुंच गए थे, और धीरे धीरे अपने कैरेक्टर के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे थे, अपनी चीज़ें ऐड कर रहे थे, अपना जो भी अपने थॉट उनके साथ शेयर करते थे। तो एक दिन ऐसी शूटिंग चल रही थी, तो मुझे अपने फादर का याद आया, हम बुंदेलखंडी हैं, और चूंकि वो पहलवान थे हमारे फादर, तो उनके चलने में भी जो एक ठसक होती है, एक पहलवान जिस तरह से चलता है, मुझे उनका एकदम से, जब हम वहाँ पर थे लोकेशन पर, धूप की वजह से मैंने कपड़ा डाला, वो चश्मा भी पहना हुआ था, तो अचानक मुझे कनेक्ट हो गया फादर का। तो मुझे लगा कि ये चलो पूछ तो लेते हैं, हो सकता है वहाँ कह दें। तो वहाँ से मैंने खड़े होके इशारा किया शेखर कपूर को,
डॉक्टर साहब देखिए कैसा दिख रहा हूँ मैं, लुक देखो मेरा, मतलब ऐसी आवाज लगा के। तो थोड़ी देर तक देखते रहे और उनको क्लिक हो गया, मुझे उन्होंने वहाँ से अंगूठा दिखा दिया करेक्ट है, और मैंने कहा ये गॉगल्स ये भी करेक्ट है। और फिर उसके उनके पास जब मैं पहुँचा, मैंने कहा सर मुझ पूछ का क्या करें, ठाकुर है तो मुझ तो रहेगी। वो नहीं, नो नीड, अब ये लुक जो मिल रहा मुझे मिल रहा है मुझे यही चाहिए, मुझे कोई मुझ पूछ नहीं चाहिए। सो इस तरह से वो मेरा अपीयरेंस फाइनल हुआ जो मैंने अपने फादर से लिया। और इसी से जुड़ी हुई उनकी जो साइकोलॉजिकल थ्रेड जो है वो कैसे पकड़ूं, ये भी एक बहुत परेशानी चल रही थी मेरी। मतलब उनके बारे में उस कैरेक्टर जो ठाकुर श्याम सिंह का कैरेक्टर मैंने किया, उसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। जो भी डायरेक्शन टीम थी उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी मुझे, एक दो कागज़ की कटिंग दी पेपर न्यूज़पेपर्स की जहाँ उनको एनकाउंटर किया गया था, बाकी उनकी लाइफ के बारे में किस तरह से थे वो सब चीज़ें कुछ नहीं मिल रही थी। सो बहुत उदेवल में थे हम कि यार किस तरह से करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा इसको ऑथेंटिक कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा रेफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को बता दें, इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए भी, हमारे देखने सुनने वालों के लिए भी, कि चूंकि हम लोग 5 दिन पहले पहुंच गए थे तो शूटिंग चालू थी, और एक सिस्टम था वहां पर कि 2 दिन शूट करके जो भी जितना शूट होता था वो पूरा शूटिंग का ब्यौरा फूलन देवी को जाके बताया जाता था। फूलन देवी उन दोनों ग्वालियर जेल में थी, क्योंकि उनकी लाइफ पर था और उनकी इजाज़त उनकी परमिशन से ही ये फिल्म बन रही थी, उनकी अपनी स्टोरी लाइन की वजह से उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो 2 दिन का जो भी शूट होता था उनका शेखर कपूर का असिस्टेंट जाता था वहाँ जेल, ग्वालियर जेल, उनको बताया जाता था 2 दिन ये शूट हुआ है और आगे के 2 दिन ये शूट होने वाला है, और जब वो ओके करती थी तब जाके आगे की शूटिंग वो उस तरह से होती थी। तो क्योंकि हम पाँच दिन पहले पहुंच गए थे और इस उदय अनुभव में लगे हुए थे कि कैसे करना है क्या करना है, तो उसी दौरान जब वो ये बात आई कि किसी असिस्टेंट को, ये पता लगा कि कोई असिस्टेंट जा रहा है ग्वालियर फूलन देवी को बताने के लिए, ब्रीफ करने के लिए जो जो शूट हुआ है, तो हमारी मित्र हैं डॉली अहलूवालिया, बहुत लोग जानते भी होंगे डॉली अहलूवालिया, उसने कॉस्ट्यूम करनी थी उस फिल्म में। तो जब उनको पता लगा कि कोई जा रहा है तो उन्होंने शेखर कपूर से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं जा सकती हूँ, मैं ये ब्रीफ कर दूंगी। तो शेखर कपूर ने कहा बहुत बढ़िया है, तो अच्छा है फीमेल जाएगी तो और ज़्यादा कंफर्ट जोन मिलेगा पूनम देवी को, हो सकता है आप कुछ और दूसरी बातें भी, कुछ और दूसरी चीज़ें भी वहाँ से ले आएँ जो हमारे फिल्म के लिए बेहतर हो। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, डॉली अहलूवालिया गई, उन्होंने सब पूरा ब्रीफ किया जो जो कोई शूट हुआ है और आगे जो शूट होने वाला है ब्रीफ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूनम देवी से कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आप कह सकें तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। तो एक छोटा सा पॉज लिया पूनम देवी ने और फिर उन्होंने बताना शुरू किया, तकरीबन 45 मिनट तक वो उन्होंने अपनी जो जो कुछ बीता था उनके साथ वो सब सुनाया। और वो सुन के एक डॉली अहलूवालिया एकदम इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो रोने लगी और खूब हिलक के रोने लगी, क्योंकि इन्होंने आज तक ऐसा नहीं सुना था कि एक लेडी के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हो सकता है। सो खूब रोने लगी। उसके बाद जब वो रुकी नहीं तो वो डांटा पूनम देवी ने कि रोती क्यों है, कितना रोएगी, ये जो मैंने बताया है ये अभी सिर्फ 50% है, तो देखना चाहेगी दिखाऊं। और उन्होंने फटाफट ब्लाउज के बटन खोले और दिखाया तो उनकी छाती में गड्ढे थे जो ठाकुरों ने मांस नोचा था उनको रेप करते हुए, तो लिटरली मांस नोचा था, जिंदा मांस, इतनी क्रूरता के साथ उनको पूरे गांव ने रेप किया था।
वो जब उसने देखा डॉली अहलूवालिया था तो एकदम शॉक हो गया, एकदम सकते आ गई और उसी उसी अवस्था में वो वहाँ से निकली और यहाँ होटल में आई और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ पूनम देवी के साथ, ऐसा ऐसा हुआ जब मैंने सुना तो उन्होंने ऐसा ऐसा किया और वो फिर वो बताते बताते फिर रोने लगी। इतना विभत्स डिस्क्रिप्शन था ठाकुरों का, जब उसने मुझे सुनाया ये तो मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गया, लेकिन दूसरी लाइन जो मेरे थॉट की वो ये चली कि ये ठाकुर इतने क्रूर हैं, इतनी क्रूरता है उनके अपने बिहेवियर में कि वो मतलब मास्टर नोट सकते हैं। यहाँ से मैंने उनके साइकोलॉजी का थ्रेड पकड़ा और मैंने डिसाइड किया कि मुझे हर हरकत ऐसी करनी है कि लोग नफरत करें, हर हरकत ऐसी कहें कि लोग कहें कि ये आदमी इसको मार क्यों नहीं देता। सो यहाँ से वो मैंने थ्रेड पकड़ा और पूरे कैरेक्टर में इसी तरह का थ्रेड मैंने इस्तेमाल किया। हर हरकत मेरी ऐसी थी कि लोगों को बिछड़ देती थी, उसको तो पूनम देवी को नंगा करना, उसको पूरे गांव के साथ दिखाना नफरत के साथ, उसी तरह से उसको खींच के खचोड़ते हुए लेके आना, उसको नाव के ऊपर से पटकवाना, बहुत मतलब सारी चीजें इस तरह की थी, लोगों को एकदम विचलित कर देती। सो यहाँ से मैंने उनका साइकोलॉजी कर मतलब इस तरह से हम कैरेक्टर को बनाते हैं, इस तरह से कैरेक्टर को साइकोलॉजिकली और फिजिकली इस तरह से हम तैयार करते हैं। एक और मैं चाहूँगा रेफरेंस, तो वो भी हमारे सागर से जुड़ा हुआ है, पता नहीं, हाँ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हम सागर की रिमेम्बरेंस, सागर की यादें हैं जो जो जिनसे मैं काफ़ी समृद्ध हुआ हूँ और वो सब चीज़ें मुझे अपने करियर में बहुत काम आई हैं। प्रेम ग्रंथ आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी लोगों ने देखी होगी प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ में जो मैंने कैरेक्टर किया था वो हमारे पिताजी की, जहाँ मैंने अभी मेंशन किया हमारे पिताजी की दुकान रही, हम बड़े बाजार में श्याम भंडार के पास दुकान थी, तो दुकान के पास ही एक किराने की दुकान भी थी, तो क्या दुकानदार दुकानदार आपस में एक मित्रवत हो जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उन किराने वाले की किराने के किराए जो दुकान के मालिक थे उनका मुझे नाम अभी तक याद है, ऋषभ जैन नाम था उनका, ऋषभ जैन। तो उनका लड़का कहीं चला गया, गांव चला गया, जो काम जो हेल्प करता था उनको सामान उठाने में, दर्शन निकालने में, तौलने में, ये सब, तो बहुत परेशान थे वो। तो उन्होंने मेरे पिताजी से रिक्वेस्ट की कि गोविंद को ज़रा भेज दो ना, कुछ दिन के लिए मेरी हेल्प कर देंगे, तो नहीं तो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। तो पिताजी ने कहा अच्छा, तो पिताजी बहुत भोले थे, हाँ ठीक है तुम जाओ गोविंद उनके उनकी मदद कर दो और उनको जो लड़का आ जाए तो तुम छोड़ दिए होते। तो हमें तो हाँ, पिताजी जो कहेंगे हाँ कि हाँ ही कहनी है, तो हम उनकी दुकान पर जाने लगे सुबह से। वो बंदा दिन भर काम करता था, दिन भर काम कर रहता था, उसके बाद शाम को 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे वो दरवाज़ा बंद और अंदर वो पूरी उनकी बैसात लगती थी जिसमें देसी दारू का अद्धा और खूब सारा खाने वाने का चखने पकने जो भी होते हैं वो, और पान किमाम वाला, किमाम मतलब वो भी तंबाकू वाला, ये सब वो पूरी तरह से आराम से तकरीबन 1 घंटा तक खाते पीते थे और मुझे बिठा के रखते थे क्योंकि मुझे उनको घर तक पहुंचाना होता था। अद्धा लेके कोई घर कैसे जाएगा, कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए। जब तक वो अद्धा खत्म होते होते जब तक वो हिलने नहीं लगते थे अपने आप, वो तब तक वो खत्म नहीं होता था उनका, और जब हिलने लगते थे तो उनको पता लग जाता कि तुम नहीं बस अब चलना है। तो चलते हुए और जब उठते थे तो मुझे संभालना ही पड़ता था, नहीं तो गिर जाएंगे। और वो उसी स्थिति में
पान खाते थे कि मामला पान खाया, उसके बाद वो उनका थूक कहाँ गिर रहा है, वो कहाँ चल रहे हैं, उनको कुछ होश नहीं रहता था। उनका पूरा कुर्ता पान की पीक से सब लाल लाल हो जाता था, मुंह में ऐसे बोलने का अंदाज भी ऐसा ऐसा। ये पूरा का पूरा कैरेक्टर मैंने प्रेम ग्रंथ में डाल दिया, रूप साहे का जो कैरेक्टर मैंने किया, वो भी ऐसे ही पान खाता था, पान की पीक गिरते थे, बोलता था, कैसे चलता था, कैसे उनको खुद भी नहीं मालूम होता था। तो पूरा का पूरा कैरेक्टर वो, मतलब उसमें कोशिश ये होती थी कि लोग घिन आए लोगों को, क्या कैसा गंदा इंसान है ये, इसने माधुरी दीक्षित को रेप कर दिया, मतलब ऐसा फील आए। वो फील लाने के लिए सब इस तरह से हम करते रहे। सो वो पूरा का पूरा कैरेक्टर वो पूरा कैरेक्टराइजेशन मैंने वो ऋषभ जैन का डाल दिया। सो इस तरह से हम कैरेक्टर्स तैयार करते हैं फिल्मों के, इस तरह से हम कैरेक्टर्स तैयार करते हैं नाटकों के। हो सकता है आप में से बहुतों को कुछ ना कुछ एक समझ में क्लैरिटी आई होगी मेरे इस अनुभव से। जी सर, बिल्कुल। और सर ये एक चीज़ और यहाँ कि जैसे किसी कैरेक्टर के हमने साइकोलॉजी को पकड़ा, आपने डिज़ाइन किया, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो वेंडिट क्वीन का हो या प्रेम ग्रंथ का हो, तो उससे बाहर निकलने का भी एक थोड़ा प्रोसेस, स्विच ऑफ और स्विच ऑन वाली जो बात होगी वो थोड़ा सा। इसका भी अभ्यास हमें हुआ इस तरह से कि जब मैं फिल्में कर रहा था और मेरी ये प्रेम ग्रंथ रिलीज हुई, तो उसके बाद खूब काम की बाढ़ आ गई प्रेम ग्रंथ के बाद। तो ये होता था कि एक दिन में 3-3 फिल्मों की शूटिंग करते थे या 2 फिल्मों की शूटिंग करते थे, 8 घंटे इधर 8 घंटे उधर, 6 घंटे इधर 6 घंटे उधर, इस तरह से। और इसी तरह से जब नाटकों का हमारा फेस्टिवल होता था, तो फेस्टिवल में हर दिन एक नया नाटक करते थे हम। रेपेटरी कंपनी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में हम काम करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैटनी शो एक दूसरे नाटक का और अगला शो दूसरे नाटक का। तो ये जो स्विच ओवर है इसका मतलब हर व्यक्ति का अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा तरीका ये था कि 40-50 मिनट शो से पहले या शूटिंग से पहले जो एक कैरेक्टर है जो आगे आने वाला है उसके साथ चहलकदमी करता था, चाहे वो घर के कमरे में चहलकदमी हो, चाहे वो मेकअप रूम में चहलकदमी हो, चाहे वो मेकअप वैन में चहलकदमी हो, चाहे वो स्टेज के पीछे मेकअप रूम में चहलकदमी हो, उस 40-50 मिनट के दौरान सिर्फ वो ही होता था और मैं होता था, टोटली फोकस्ड उसके डायलॉग्स, उसकी इमोशंस, और उसमें जैसे ही रंग जाता था बस हो जाता, तैयारी हो जाती थी अगले कैरेक्टर की। सो स्विच ओवर के लिए मेरा ये तरीका रहा है, हमेशा हमेशा रहा है। हर्ष, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी जी, दरअसल फेसबुक पर जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं ऑडियंस के तौर पर, उनके कुछ एक दो सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ हम सम्मिलित करें। रुपेंद्र ठाकुर जी का एक सवाल है कि वेब सीरीज और OTT के कल्चर आने के बाद नाट्य कला जो है वो किस तरह प्रभावित हुई है? नाट्य कला के लिए समय कम हो गया। नाट्य कला में इजाफा बहुत हुआ है। इजाफा इस तरह से हुआ कि एक्टिविटी रंगमंचीय गतिविधियां बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ गई कि वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स का जो जमाना आया है अभी, तो उसमें छोटे छोटे शहरों से भी लोगों का पार्टिसिपेशन हो गया है। और एक्टिंग करनी है उनको अगर, तो फिर स्टेज चाहिए ना उनको, जहाँ पर वो अपने आप को तैयार कर सकें, अपना काम लोगों को दिखा सकें,
रियलाइज कर सकें कि वो कितना काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो इसके लिए उन्होंने थिएटर करना शुरू किया, थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू किया, थिएटर ग्रुप्स बनाने शुरू किए, थिएटर फेस्टिवल्स और थिएटर वर्कशॉप्स और थिएटर टीचर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तलाश करने लगे और उनसे जुड़ने लगे। सो एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई, लेकिन उसके लिए जो समय देना है, उस समय की कमी हमेशा उनको समय की कमी हमेशा थिएटर में रही है अभी इस दौरान, जिसकी वजह से अच्छी परिपक्वता के साथ तैयारी नहीं हो पा रही है एक्टर्स की। एक बेसिक तैयारी हो जाती है कि आप अच्छी तरह से डायलॉग बोल सकें, इमोशंस दे सकें, बस बेसिक बेसिक, बाकी जो गहराई की बात है, जो बारीकियां बारीकियों की बात है एक्टिंग में, अभिनय में, वो तो अनुभव के साथ ही आती हैं, अभ्यासों के साथ ही आती हैं। सो उस अभ्यास उन अभ्यासों का समय उनके पास अभी कम हो गया है। सर, मेरा एक सवाल है कि बुंदेली के बारे में हमने शुरुआत में कुछ चर्चा की कि कैसे आपने, जब आप NSD गए तो बुंदेली एक चैलेंज बनी कहीं ना कहीं और लोगों के साथ एडजस्ट करने में। तो मैं देखता हूँ कि हम देखते हैं कि बुंदेली पर बेस्ड कई सारी मूवीज़ आई हैं, पान सिंह तोमर भी या और भी अन्य मूवीज़ हैं, तो बुंदेली भाषा को सिनेमा में स्टेब्लिश करना या किस हद तक स्टेब्लिश हो पाई है, मैं ये जानता हूँ। स्टेब्लिश हुई है, अभी क्या है, फिल्मों से या तो फिल्मों में लगातार आए ये भाषा, ये निर्भर करता है कहानी, फिल्मों की कहानी पर, कैरेक्टर्स पर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पर, किस तरह से वो कंसीव करते हैं फिल्मों को, उसकी लैंग्वेज को। सो इस वजह से ज़्यादा फिल्में नहीं आई। बाकी चूंकि टेलीविज़न आजकल घर घर में टेलीविज़न है और लोग देखते ही रहे हैं, सो उसमें जहाँ ये दो तीन ऐसे सीरियल्स और प्रोग्राम्स आए हैं जिसमें बुंदेलखंडी काफ़ी इस्तेमाल हुई है, तो अभी काफ़ी चर्चा में लोगों को जानकारी हुई है, लोगों को साक्षात्कार हुआ है इस लैंग्वेज के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में। सो अभी लोगों ने, दर्शकों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और एक्टर्स ने भी इस्तेमाल करना अभी शुरू कर दिया है। सर, वृंदा प्रधान, मैंने भी एक फिल्म की थी, मैंने शुरुआती दौर में मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि अपने बुंदेलखंड की कम से कम लैंग्वेज तो आए, कुछ फ्लेवर आए। तो एक फिल्म की थी उन्होंने, प्रियदर्शन की, सात रंग के सपने, जिसमें अरविंद स्वामी, जूही चावला, अनुपम खेर वगैरह थे, उसमें मैंने बुंदेलखंड की इस्तेमाल की थी और लोगों ने बहुत पसंद की थी। इसी तरह से चाइना गेट में मुकेश तिवारी ने इस्तेमाल की थी, मतलब लोगों ने अपने अपने ढंग से कोशिशें की हैं, लेकिन चूंकि निरंतरता नहीं रहती है तो लोग भूल जाते हैं। टेलीविज़न में ये निरंतरता बनी रहती है तो लोगों को लगातार हर दिन, लगभग हर दिन उसका टेस्ट मिलता रहता है, फ्लेवर मिलता रहता है। सो अभी काफ़ी लोगों में वो एक चर्चा का विषय है बुंदेलखंडी। जी सर, भाषा से जुड़ा ही एक सवाल है, वृंदा जी का फेसबुक यूज़र है, कि भाषा को समृद्ध कैसे बनाया जाए। भाषा को समृद्ध हम इस तरह से बना सकते हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एक तो भाषा, अगर मैं हिंदी की बात करें तो हिंदी को अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए, उच्चारण में किसी तरह का उच्चारण में बारीकियाँ हों, वो करेक्ट उच्चारण लोगों को जब सुनाई देता है कानों में तो उनको अच्छा लगता है। हल्केपन में बोलना, यहाँ भी हल्कापन इस्तेमाल होगा, हल्केपन में बोलने से बारीकियाँ आती हैं शब्दों के उच्चारण में। तो जब तक इस तरह की बारीकियाँ नहीं आएंगी आपके भाषा के इस्तेमाल में, और उन शब्दों का चयन, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन और उनकी निरंतरता, इस्तेमाल में उनकी निरंतरता, जब इस तरह की चीज़ें बार बार लोगों के सामने आएंगी, अच्छा बोल, इसलिए कई एक्टर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कितनी अच्छी भाषा, कितनी अच्छी हिंदी बोलता है, कितना अच्छा सुनाई पड़ता है उसका बोलना, चाहे वो रंगमंच की बात हो, चाहे वो सिनेमा की हो। सो
इसमें भी अच्छी लैंग्वेज बोलने की समझ, अच्छी लैंग्वेज किस तरह से प्रेजेंट की जाती है, अच्छी लैंग्वेज का पेच, उसका शोर, उसके उच्चारण, ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे समय में तो ये हुआ कि जो हमको हिंदी पढ़ाते थे टीचर्स, उनको भी नहीं पता था कि अच्छी हिंदी क्या होती है, हिंदी का करेक्ट उच्चारण क्या होता है। सा और शा में तो टीचर्स ने हमें कभी फर्क समझाया ही नहीं, इस वजह से हमारे अंदर आया ही नहीं। अभी जाके काफ़ी लोगों में ये रियलाइजेशन हुआ है कि सा और शा में जो चूंकि बुंदेलखंड का प्रभाव रहता है, तो जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। तो उसमें अभी नुक्तों का भी, उर्दू का भी नुक्ते वगैरह भी हम लगा के बात करते हैं, तो वो खानों को अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम अपनी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो। इंग्लिश को भी अच्छे ढंग से बोला जाएगा तभी वो आपको कानों को अच्छे लगे। कई लोगों का बोलना कितना अच्छा लगता है, कई लोग जो भाषण करते हैं कितना अच्छा लगता है, कई टीचर्स बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उनको सुनते रहे, उनके चेहरे की तरफ ही देखते रहे, उनके बोलने का अंदाज, उनका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरह से हम अपनी भाषा को समझ कर सकते हैं। धन्यवाद सर। एक सवाल और है कि आपने शुरुआत में आज के बारे में काफी चर्चा करी, तो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो नुक्कड़ है या सिनेमा है या कोई भी है, उसमें बॉडी जो होती है व्यक्ति की, वो एक बहुत बड़ा टूल होता है। अपार्ट फ्रॉम बाकी जो प्रॉप्स हैं उसके अलावा, बॉडी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। तो अपने जो सेंसेस हैं उनको कैसे एक्टिव किया जाए, जिसमें खासकर मैं मेंशन करना चाहूँगा आवाज़ को कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे चैनल किया जाए। इसके लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। आप गूगल पर जाएंगे, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे किस तरह से आपको आवाज़ ठीक करनी है। बाकी जहाँ तक फिजिकैलिटी की बात है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब एक एक्टर को डेली एक्सरसाइज बहुत 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 ज़रूरी है, तभी उसके उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में रहेगी, उसके एक्सप्रेशंस वगैरह सब इसी अभ्यास से जुड़े हुए हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक एक्टर एक जिम्नास्ट होता है, तो जिम्नास्ट जितनी मेहनत अपने बॉडी के ऊपर करता है अपने बॉडी कंट्रोल के लिए, उतना अभ्यास एक एक्टर को करना चाहिए। उसमें योगा भी शामिल है, उसमें जिम्नास्टिक की जो कलाबाजियाँ हैं वो सब चीज़ें हम थिएटर में करते हैं, इसलिए हैं ताकि हमको हमारे बॉडी के बारे में रियलाइजेशन हो कि हमें किस तरह से अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरह से हमें हमारे होल्ड में रहेगा। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाते भी हैं, जैसे अपना गट्स को पकड़ के ही आप बॉडी मूवमेंट करें, मतलब अगर झुकना है तो आप गट्स को पकड़ के ही आगे झुकें, ऐसे ना झुक जाएं, या कहीं देखना भी है, कुछ बॉडी मूवमेंट भी है, तो आपको गट्स पकड़ के ही करना है ताकि आपकी बॉडी लूज ना लगे, आपको रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइन सीधा रखना है, अकड़ना नहीं है, सीधा रखना है, तो आपका बॉडी पोस्चर अच्छा दिखेगा। आप कहीं 100 लोगों में भी बैठे होंगे तो अगर बॉडी पोस्चर आपका करेक्ट है तो वो अलग से दिखेगा, अलग से बैठा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से आपकी आवाज़ है, अगर आपकी आवाज़ में अगर बात है तो आप भीड़ भाड़ वाली दुकान में भी पीछे से आवाज़ लगाएंगे, जरा ये देना भैया, ये देना, तो लोग पीछे मुड़ के देखेंगे कि किसने, ये कौन है जिसने बोला। एक्टर की हर बात अच्छी दिखनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, उसकी आवाज़, उसका पहनावा, उसका चलना फिरना, तभी वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, एक्टर इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, अपने आप को तैयार करें पूरी तरह से। आगे सर
सर, हम अभी डिजिटल थिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं। पैंडेमिक में भी हमने देखा कि ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, और चाहे वो जी थिएटर हो या स्काई, टाटा स्काई का जो थिएटर का एक चैनल है, या नाइन रसा करके प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, जो श्रेयस सर जो है एक्टर हैं, उन्होंने शुरू किया है। तो सर, जब डिजिटल थिएटर की बात आती है तो वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, लाइव परफॉर्मेंस होती है, लेकिन वो कैमरे के माध्यम से हम तक पहुंच रही होती है। और जो हम पारंपरिक रंगमंच की बात करते हैं वो तो सजीव ही होता है। तो हम जब डिजिटल थिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय डिजिटल जो थिएटर है उसका होगा, लाइव परफॉर्मेंस उतनी नहीं होगी, या सजीव थिएटर का शायद कुछ कम हो जाएगा इस तरह के थिएटर के आने के बाद? क्योंकि मजा तो जो है वो सजीव थिएटर में ही है। जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जो लाइव परफॉर्मेंस की बात होती है वो अलग होती है, और वो हमेशा जिंदगी को अट्रैक्ट करती है, लाइफ को अट्रैक्ट करती है लाइव परफॉर्मेंस। ये एक ऑप्शन आज के समय को देखते हुए ये क्रिएट हुआ, ताकि लोग जुड़े रहें किसी न किसी तरह से, किसी न किसी कला अनुभव से जुड़े रहें। इसके लिए ये लोगों ने शुरू किया कि अगर ऐसा नहीं तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जो पहले नाटक थे उनको हम रिकॉर्ड करके ऑनलाइन हम दिखाएं। लोगों ने देखे भी, लेकिन वो अनुभव नहीं हो पाता है जो अनुभव आपको लाइव परफॉर्मेंस में होता है, क्योंकि इसमें कैमरा एंगल आप कितना जाएंगे, आप पूरी कोरियोग्राफी आप नहीं दिखा सकते। आप एक एक्टर को, मतलब सारे एक्टर्स को एक साथ रिएक्ट करते, परफॉर्म करते हुए ठीक तरह से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कमियां दिखाई देती हैं उसमें, जिसकी वजह से आपको पूरा फील नहीं आता देखने के बाद, जो आपको हॉल में लाइव परफॉर्मेंस देखने के बाद आता है। सो ये एक ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। लाइव परफॉर्मेंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रंगमंच अनुभव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, आप और इस, जी जी सर, आप कोई और ऐसी बात कहना चाहें जो शायद छूट गई हो, उसके बारे में कुछ आप जो भी कहना चाहें? मेरे ख्याल से तो सारी बातें हो गई हैं। एक जो आमतौर पर मैं लोगों को कहता हूं कि जिनको इस फील्ड में आने की इच्छा है, वो अब जरूर अपने ऊपर मेहनत बहुत करें, पहले अपने आप को टेस्ट करें, नाटकों में काम करें, नाटक मंडलियां ज्वाइन करें, ग्रुप्स ज्वाइन करें, अपने आप को देखें, खुद करके देखें, लोगों से उनका रिस्पांस पूछें, किस तरह से लगा मेरा काम वगैरह वगैरह। जब ऐसा लगने लगे कि हाँ आप में एक एक्टर के गुण हैं, आप प्रभावित कर सकते हैं ऑडियंस को, वो आप तब आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप उसको थोड़ा सीरियसली ले सकते हैं। और आजकल के ज़माने में चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो भी आपके आइडियल एक्टर्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं आपके हिसाब से, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है फिल्मों में या वेब सीरीज में, उनके उनके सीन्स आप डाउनलोड करें, उन सीन्स को जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है एग्जैक्ट वैसा ही परफॉर्म करने का अभ्यास करें, जो जिस वजह से वो सीन उनका बहुत फेमस हुआ है, जिस वजह से वो बहुत फेमस हुए हैं, वो वजहें उसमें ढूंढें और वो वजहें अपने अंदर पैदा करें, बार बार अभ्यास करके। कमरे में बंद कर लो अपने आप को और उनके सारे डायलॉग्स लिख लो, उन डायलॉग्स के साथ साथ जो इमोशंस उसने दिए हैं, जो डायलॉग डिलीवरी में खास मैजिक पॉइंट्स उन्होंने मैजिक क्रिएट किए हैं, वो सब लिखो और वो अपने परफॉर्मेंस में लाने की कोशिश करो। बार बार अभ्यास करो, बार बार करो, बार बार करो। पहले चार डायलॉग्स करो, पहले चार लाइंस करो, फिर अगली चार लाइंस करो, उनमें जो जो खास बातें हैं वो अपने अंदर क्रिएट करने की कोशिश करो।
इसका अभ्यास आप एक सीन में 15-20 दिन लगा के अपने अंदर वो फील लाने की कोशिश करो जो सामने वाले एक्टर ने लाया है, वो बारीकियां लाने की कोशिश करो। जब आपको लगने लगे कि हाँ आप काफी नजदीक आ गए हैं तो अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपने आप को एक बार रिकॉर्ड करो, ठीक नहीं आए दूसरी बार रिकॉर्ड करो, बार बार रिकॉर्ड करो, और जो परफॉर्मेंस सामने वाले एक्टर ने दी है उसके थोड़ा बहुत नजदीक लाने की कोशिश करो। जब नजदीक आने लगो तब आपको ये हक बनता है कि आप एक बढ़िया सी ट्रेनिंग करो और फिर सीरियसली अभी अपने इस प्रोफेशन के बारे में आगे बढ़ जाओ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपको यह हक बिल्कुल नहीं है कि आप उठ के बॉम्बे या दिल्ली चले जाएं और या भोपाल चले जाएं कोशिशें कर रहे हैं। आपको हक नहीं है कोशिश करने का, स्ट्रगल करने का, जब तक आप एलिजिबल नहीं हैं। सो पहले अपने आप को एलिजिबल बनाओ, उसके बाद स्ट्रगल करने की, अपने आप भाग्य आजमाने की कोशिश करो। ये मैं आमतौर पर लोगों को ज़रूर कहता हूँ ताकि वो भटकें ना। हमारे अपने लोग हैं जो लोग उस समय देख रहे हैं, ये सब हमारे बुंदेलखंड के, हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी गाइडेंस उनको हेल्प करे किसी न किसी रूप में। सो इस यहाँ हम मेरे ख्याल से ख़त्म करते हैं। जी सर बिल्कुल। हर्ष, किसी का यदि कोई सवाल है, कोई कुछ और पूछना चाहता है, या हम एंड कर सकते हैं? बिल्कुल वरुण भैया, कोई आपका कोई सवाल है अगर तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एंड कर सकते हैं। सवाल तो बहुत होंगे लोगों के, बहुत सवाल होंगे लेकिन एक है ना, एक अच्छे नोट पर हम खत्म करें तो अच्छा है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जो मैंने संदेश दिया है, जो मैंने मैसेज दिया है जिन लोगों, उन लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो इस बात को थोड़ा सा संजीदगी से लें, गंभीरता से लें, सीरियसली लें मेरी इस बात को, और उसके बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश। जी बिल्कुल सर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और बस कही के 25वें एपिसोड को इतना अच्छा और कारगर बनाने के लिए। आई होप कि आपने जो जो बातें बताई स्किल्स को लेके, खासकर जो बातें बताई वो हम अमल कर पाएंगे और हमारी जर्नी में कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स काम आएंगे। और ऋचा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन को होस्ट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जो निश्चित ही उपयोगी रहेगी सभी के लिए। थैंक यू और थैंक्स। डूडलिंग वर्ल्ड के सर जो 25वां एपिसोड है बदकही के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से और भी सेशन आते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। फेसबुक पर हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े थे उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अगले हफ्ते फिर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे बदकही के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।